मॉर्निंग और सलाम अलैकुम, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। आइए जानते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। संतोष नगर पुलिस स्टेशन में साउथ जोन डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीसीपी साउथ जोन ने दो ग्रुपों के दरमियान होने वाले गैंगवार के ताल्लुक से बताया। ये वाकया 6 मई की आधी रात को पेश आया। माया गैंग और समीर गैंग के दरमियान गैंगवार। ये दो ग्रुप्स मोहलिक हथियारों के साथ सड़क पर घूम रहे थे। संतोष नगर पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया, तलवारें और बाइक जब्त कर ली और मुजरिमीन को अदालती तहवील में दे दिया। इस हादसे के बाद पुलिस पुराने शहर के हर इलाके में गश्त कर रही है। डीसीपी ने बताया कि कोई नाखुशगवार वाकये की कोई इत्तला नहीं है। सुनते हैं मजीद तफसीलात डीसीपी की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। నాకాబంద్ లేకపోవడం వల్ల కూడా ఇలాంటి జరుగుతుంది, అలాంటివి కొనసాగించడానికి అవకాశాలు బైక్ చెబుతుంది. నేను ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ఐ నీడ్ టు సీ ఇన్ టు దిస్ ఆపరేషన్ యాక్చువల్లీ ఏంటి ఎట్లా చేయాలి. నాకాబంది ఇస్ గోయింగ్ గతంలో చెబుతారా ఇది అనేది జరిగాయి, చాలా మటుకు అటువంటి ఇది చేసిన తర్వాత కొంత తగ్గినాయి. ఓకే, ఐ నీడ్ టు నేను కొత్తగా వచ్చిన ఐ నీడ్ టు సీ ఆల్ దిస్ థింగ్ వాళ్ళు దాన్ని కూడా మనం స్టడీ చేసిన దానికి बंद कर दो, बोल रहे फिर आप माल काम कर ले तो बंद कर दे यार, लाइट माल के खराब कर दे रहा आप मेरा। मैंने 8 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन आई कि दो गैंग्स यहाँ पे लौड़ा और चाकू बेसबॉल बैट वगैरह लेके बाइक पे पूरा शहर पे मैंने ये संतोष नगर एरिया पे घूम रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन पे हमारा संतोष नगर पुलिस पूरा स्टाफ उनको उस एरिया पे जाके उन लोग एक्चुअली वो है या नहीं पता कर लिया और इसे ही पता चला कि वो बंदा सच में वहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों पर डर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा पुलिस टैक्टिकली जाके उन लोगों सबको पकड़ा और ये दो गैंग है, माया गैंग और समीर गैंग। जब पूछताछ हुई उन लोग बोला कि दो गैंग का ये लोग पार्ट है, एक माया गैंग और एक समीर गैंग। माया गैंग पे कि सैयद सहीलुद्दीन, सुहेल बिन साइद, शेख अहमद बिन अब्दुल रहमान अल अमोदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सुहेल, शेख आफ्ताब अली। वैसे समीर गैंग पे लोग हैं कि मोहम्मद समीर खान, मोहम्मद समी, ये टोटल 8 लोग हैं जो बाइक पे घूम रहे हैं और जो आर्म्स जो जैसे स्टिक, हॉकी स्टिक, बेसबॉल स्टिक, रॉड, नाइफ, तलवार लेके घूम रहे हैं और लोगों पे डर ला रहे हैं। माने उन लोगों का ये कि वहाँ पे माहौल को ख़राब करना, इन लोग रोडी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कर रहे थे।
तो हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और उन लोग को जैसे कि इन्फॉर्मेशन आया हम तुरंत पकड़ लिया और उन लोग का जो आज उन लोगों पर केस आर्म्स एक्ट के अंदर केस डाल के जेल भेज रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे रॉडी एलिमेंट्स है उन लोग को साउथ जोन पुलिस साइड से हम एक तरीके का वार्निंग दे रहे हैं, कोई आप रॉडी एक्टिविटीज नहीं छोड़ेंगे तो आप भी लीगल एक्शन फेस करेंगे और करस्पॉन्डिंग केसेस रजिस्टर किया जाएगा और करस्पॉन्डिंग सेक्शन पे आपको रिमांड भी किया जाएगा। तो और एट द सेम टाइम सारी जनता का हम लोग का रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपको कभी भी पता चलेगा कि वैसे रॉडी एलिमेंट्स वहाँ पे घूम रहे हैं और लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इमीडिएटली हम पुलिस को इन्फॉर्म कर लीजिए ताकि उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा पीसफुल रहे। थैंक यू सर। इसमें आप बता रहे हैं कि ये दोनों गैंग का अपना अपना लीडर बना के रखा है कि अपना आइडेंटिटी के लिए, ताकि एक गैंग पे नहीं रहना चाह रहे हमेशा कि अपना गैंग अपना, ये लोग का ये सोच है कि अपना गैंग जाके जुलुम करे जो अनलॉफुल है वैसे नहीं करना है, और साथ साथ वेपन के साथ लोगों पर डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रॉडी एलिमेंट है, रॉडी एक्टिविटी है, इसीलिए तुरंत हमने पकड़ लिया और पूछताछ किया तब पता चल हुआ कि ये सारी है, एंड इसलिए लोगों प्रॉपर केस में तो पहले ये लोग पूरा